अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस क्लास 4 लेसन 2 यूनिट 2 फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट। वी वर स्टडिंग अबाउट द फूड ग्रुप्स एज वी स्टडी बिफोर अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइट्री फाइबर्स। टुडे आवर टॉपिक इज प्रोटीन्स। लेट्स स्टार्ट प्रोटीन्स। एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर there is fish, meat, मतलब इसमें beef है, mutton, chicken, extra beans, eggs, dairy milks, milk में आ जाता है, dairy products में milk है, yogurt है, cheese वगैरह, ठीक है। Proteins, these give us energy, ये हमें हरारत देते हैं, and our body building foods, और जिस्म को बनाने के खुराक है, दैट मेक अस ग्रो, जो हमें बढ़ाने में मदद देती है, जो हमें बढ़ने में मदद देती है। दे हेल्प अवर बॉडी टू बिल्ड अप एंड रिपेयर टिश्यूज एंड मसल्स। ये जो खुराक है, मतलब जो प्रोटीन वाली खुराकें हैं, ये हमारे जिस्म को बढ़ने में मदद देती है, और जो हमारे टिश्यूज़ और मसल्स हैं उनको रिपेयर करने में मदद देती है। दे इनेबल योर बॉडी टू रिप्लेस डेड सेल्स। ये हमारे जिस्म को इस काबिल बनाती है कि वो डेड सेल के बजाय उनको रिप्लेस कर सके, ठीक है बच्चों। अब प्रोटीन्स में जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी चीज़ें, उनमें फिश, मीट और डायरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैट्स। एज यू कैन सी हेयर इन द फैट देर आर मार्जरीन, बटर, चीज़, नट्स, फैट मीट, आइसक्रीम, फ्राइड फ्रूट्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, कोक वगैरह शामिल है, ठीक है। फैट गिव अस एनर्जी एंड हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। जो फैट है वो हमें हरारत देती है और हमारे जिस्म को गर्म रखने में मदद देती है। दो अगरचे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप इन ओवर डाइट, अगरचे इस खुराक की हमारे खाने में कुछ मिकदार होना बहुत ज़रूरी है, टू मच ऑफ दिस फूड्स, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कैन मेक अस फैट, हमें मोटा कर सकता है, ठीक है। ये जो फैट्स में चीज़ें मौजूद हैं, ये हमें थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन अगर हम ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो इसे हम मोटे हो सकते हैं, ठीक है। हेल्दी फैट्स आर लेस प्रोसेस्ड फैट्स। जो हेल्दी फैट्स हैं वो लेस प्रोसेस्ड फैट्स में शामिल होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट चेक। अब फर्स्ट में है, उन्होंने दिया हुआ ये पेज नंबर 13 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। We need to eat the right amount of dash, dash, dash and dash. अब इसमें क्या क्या वर्ड आएगा, कार्बोहाइड्रेट, डाइट्री फाइबर्स, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स, डाइट्री फाइबर्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये मैंने लिख के भी रखे हुए हैं, अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको फर्स्ट ये कंप्लीट करा लूँ। नाउ यूज़ यू फोर की वर्ड्स यू यूज इन द ब्लैंक्स अबव टू आंसर दीज क्वेश्चन। विच थ्री गिव अस एनर्जी, तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है विच वन हेल्प अस टू बिल्ड एंड ग्रो, इसका आंसर है प्रोटीन्स। सेकंड का आंसर है प्रोटीन्स। थर्ड वन इज विच वन हैज नो फूड वैल्यू बट हेल्प टू मूव वेस्ट अलोंग, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज डाइट्री फाइबर्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, विच टू कैन मेक अस फैट इफ वी ईट टू मच ऑफ देम, एंड इट्स आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है। अभी जो मैंने इनके आंसर लिख के रखे हुए हैं वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। कंसेप्ट चेक पेज नंबर 13, फर्स्ट वाला जो ब्लैंक्स थी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, डाइट्री फाइबर्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सेकंड का है प्रोटीन, थर्ड का है डाइट्री फाइबर और फोर्थ का है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 14,
इट्स टॉपिक फर्स्ट वन इज द मिनरल्स. लेट्स सी व्हिच थिंग्स इंक्लूड इन मिनरल्स. सम मिनरल्स आर फाउंड इन द एग्स सीरियल्स मिल्क चीज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. ठीक है बच्चों, मिनरल्स इन सब चीज़ों में शामिल होता है. लेट्स स्टार्ट. दीज आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाई वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हमारे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों को थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं. आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड साल्ट आर सम मिनरल्स. अब जो कुछ मिनरल उन्होंने बताया उनमें क्या क्या चीज़ शामिल है, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन और नमक साल्ट. सम मिनरल्स दैट यू नीड. ठीक है, यही वो मिनरल्स है जो हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है. कैल्शियम मेक अवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. जो कैल्शियम है वो हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ इट. और डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल है, मिल्क आ जाता है, चीज़, योगर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाती है. ये भी इस चीज़ का एक अच्छा सोर्स है. किस चीज़ का, मिनरल्स हासिल करने का. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज द विटामिंस. लेट सी विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन विटामिंस. सोर्स ऑफ विटामिंस, सन, फिश, ब्रेड, ऑरेंजेस, वेजिटेबल्स, एग्स, टोमेटोज एक्स्ट्रा. ठीक है, जिस चीज़ है से हमें विटामिंस मिलता है वो क्या, सूरज की रोशनी है, फिश है, ब्रेड है, ऑरेंज मतलब माल्टे, वेजिटेबल सब्जियां, एग्स, अंडे एंड टोमेटोज वगैरह शामिल हैं. लेट्स स्टार्ट इट्स टॉपिक. दीज आर केमिकल्स विच योर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट. ये ऐसे केमिकल हैं जो हमारे जिस्म को थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं. विटामिंस कीप योर बोन्स एंड स्किन हेल्दी. जो विटामिन है वो हमारी हड्डियों को और हमारी जिल्द को सेहतमंद रखती हैं. दे हेल्प योर आई साइट, गिव यू एनर्जी. दे हेल्प योर आई साइट और ये आपकी नज़र को भी ठीक रखती हैं. गिव यू एनर्जी, आपको ताकत देती हैं. एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस और इन्फेक्शन, जो मतलब जिस समय कहीं इन्फेक्शन हो गया उसको भी ठीक करने में मदद देती हैं. दे आल्सो हेल्प वूंड्स टू हील और ये हमारे जख्मों को भी ठीक होने में मदद देते हैं. वी हैव विटामिंस ए बी सी डी एंड के. विटामिंस की कितनी किस्म है, ए बी सी डी एंड के. विटामिन डी इज मेड बाय द स्किन इन सनलाइट और जो विटामिन डी है वो सूरज की रोशनी में हमारी जिल्द बनाती है. ठीक है बच्चों, आज हम लोग इधर विटामिंस तक ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो फूड पिरामिड्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही होगा. अल्लाह हाफिज़.